हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करोगे तो आपको अलग अलग तरह के चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे कि मिल्क का, यानी कि दूध का दही में बदलना क्या है बच्चों, ये एक तरह का चेंज है। इन द सेम वे, आइस को अगर आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दो तो वो मेल्ट होकर के बदल जाएगी वाटर में। तो बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या है, एक तरह का चेंज है। अगर आप वाटर को बॉयल करो तो वो स्टीम में बदल जाएगा, ये भी क्या है, एक तरह का चेंज है। अगर आप किसी मेटल को या आयरन को किसी खुली जगह, मॉइस्चर वाले जगह पर रख दो तो कुछ समय में उसके ऊपर जंग लग जाएगी। सो स्टूडेंट्स, रस्टिंग ऑफ मेटल भी एक तरह का चेंज है। अगर आप वाटर में शुगर को डिजॉल्व कर दो और वाटर को टेस्ट करोगे तो वो स्वाद में मीठा हो जाएगा। सो डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर भी एक तरह का चेंज है। और अगर आप पेपर को बर्न कर दो तो वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों, बर्निंग ऑफ पेपर भी एक तरह का चेंज है। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में जो है आपको अलग अलग तरह के चेंज के बारे में ही पढ़ना है। बच्चों, ये चेंज जो है वो टू काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। तो बच्चों, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज एंड इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, एंड सेकेंड बात करेंगे केमिकल चेंज एंड इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। फिजिकल चेंजेस, वो चेंज जिसमें कि सबस्टेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, उस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ए चेंज इन विच ए सबस्टेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है बच्चों कि सबस्टेंस का शेप, साइज, कलर या स्टेट में बदलाव होता है। अगर किसी भी सबस्टेंस के शेप, साइज, कलर या फिर स्टेट में बदलाव हो रहा हो तो उस तरह के चेंज को आप लोग कहोगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टेंस जो है वो नहीं बनता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टेंस जो है वो नहीं बनता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि फिजिकल चेंज जो होता है वो जनरली टेम्प्रोरी चेंज है, यानी कि इसे आप रिवर्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सबस्टेंस का क्या बदला है, स्टेट बदला है, यानी कि लिक्विड से किस में चेंज हो गया है, सॉलिड में चेंज हो गया है। सो ये चेंज कौन सा चेंज है, ये है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें सबस्टेंस की स्टेट बदल रही है, लिक्विड से बदल रहा है सॉलिड में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे भी वाटर यानी कि H2O ही है और आइस भी क्या है, H2O ही है। और साथ में ये एक टेम्पोररी चेंज है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर आप आइस को मेल्ट कर दोगे तो वो फिर से वाटर में बदल जाएगा। आई होप कि आपको फिजिकल चेंज का मतलब क्लियर हो गया होगा कि वो चेंज जिसमें कि सबस्टेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। इसमें नया सबस्टेंस नहीं बनता है और ये जनरली रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस बच्चों, वो चेंज होते हैं इन विच जिसमें कि वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा नए सबस्टेंस जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। एंड केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बच्चों, अगर आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करोगे तो मैग्नीशियम का रिबन जो है वो वाइट कलर की लाइट के साथ, बड़ी ही सुंदर सी वाइट कलर की लाइट के साथ बर्न करता है, और बर्न करके बच्चों बनाता है एक पाउडरी ऐश, यानी कि मैग्नीशियम की एक राख आपको मिलेगी अगर आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर दोगे। बच्चों, ये पाउडरी ऐश जो है वो और कुछ नहीं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि MgO है। अगर आप इस चीज को रिएक्शन के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 गिव राइज टू MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को, यानी कि ये जो पाउडरी ऐश है, इस राख को जब हम लोग थोड़ा सा लेकर के पानी में घोलेंगे, पानी में मिक्स कर दोगे तो
बन जाएगा MgOH ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब आप लिटमस टेस्ट करोगे तो लिटमस को ये चेंज कर देगा ब्लू कलर में। मतलब इसका मतलब क्या होगा, आपने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो चीज़ें लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देती हैं वो क्या होती हैं, बेस होती है। मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो बच्चों क्योंकि इस यहाँ पे इस रिएक्शन में आप लोगों ने देखा कि इस चेंज में दो नई चीजें बन रही हैं, फर्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO एंड सेकंड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH ट्वाइस। सो ये चेंज कैसा है, ये एक केमिकल चेंज है। और यहाँ पे बच्चों ये रिवर्स भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करके उसका राख बना लिया है, पाउडरी एश बना लिया है, तो आप इसे रिवर्स करके दोबारा से मैग्नीशियम रिबन फॉर्म नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। बच्चों जब आप कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में किसी आयरन की नीडल या फिर आयरन के किसी ब्लेड को डिप करके रख दोगे और कुछ देर बाद जब ऑब्जर्व करोगे तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो इसका रीज़न है बच्चों कि जब कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 आयरन के साथ यानी कि Fe के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, और साथ में इस आयरन के निडल के ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। अब क्योंकि बच्चों इस पूरे रिएक्शन में जो है वो एक न्यू सबस्टेंस FeSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है, सो ये चेंज कैसा है, ये एक केमिकल चेंज है। और बच्चों इस FeSO4 इस न्यू सबस्टेंस की फॉर्मेशन की वजह से ही ये सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों रिएक्शन बिटवीन वनीगर एंड बेकिंग सोडा। बच्चों जब आप वनीगर को और बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराते हो, मिक्स कर देते हो, तो इससे बच्चों बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बच्चों जब आप लाइम वाटर से पास करते हो, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनता है, जिसकी वजह से जो ये लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पे दो न्यू सबस्टेंस बन रहे हैं, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, सो ये चेंज कैसा है, ये एक केमिकल चेंज है। फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर बच्चों आप किसी आयरन के पीस को, लेट सपोज अगर आप एक लोहे की कील को कुछ समय के लिए मॉइस्ट एयर में रख दोगे तो जो ये आयरन है ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक नया सबस्टेंस फॉर्म करता है। ये नया सबस्टेंस बच्चों ब्राउनिश कलर का होता है जो कि इस आयरन के ऊपर ही जमा हो जाता है, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो। जो ये ब्राउनिश कलर का सबस्टेंस की जो लेयर है इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट यानी कि जंग। तो बच्चों रस्ट लगने की इस प्रोसेस को, जंग लगने की जो ये प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। बच्चों रस्टिंग को अगर हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे आयरन यानी कि Fe प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 प्लस वाटर यानी कि H2O गिव राइज टू Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं रस्ट। अब क्योंकि बच्चों इस प्रोसेस में एक नया सबस्टेंस Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या जो रस्ट है वो बन रहा है, सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल चेंज है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों कि रस्टिंग के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज वाटर। बच्चों अगर ऑक्सीजन एंड वाटर रहेगा तो ही किसी लोहे में जंग लग सकता है। इनफैक्ट बच्चों ईयर में जब मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा होता है, मॉइस्चर हाई होता है, मतलब कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। बच्चों अगर किसी भी आयरन के सबस्टेंस में कॉन्टिन्यूअसली रस्टिंग होती रही, कॉन्टिन्यूअसली अगर उसमें जंग लगता रहा, तो वो सबस्टेंस जो है धीरे धीरे करके कमजोर होता जाएगा और लास्ट में बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो हम लोगों को कोई भी आयरन सबस्टेंस में खराब ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग रस्टिंग को रोक दें, रस्टिंग को प्रिवेंट करें। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि रस्टिंग के लिए दो चीज़ें चाहिए, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज वाटर। तो बच्चों रस्टिंग को रोकने का तरीका यही है कि आप किसी तरह आयरन के कॉन्टैक्ट में ऑक्सीजन एंड वाटर को आने ही नहीं दो। अगर ऑक्सीजन एंड वाटर
इस आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग जो है वो अपने आप ही रुक जाएगी। सो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयरन के जो सबस्टेंस है उसके ऊपर या तो हम लोग ऑयलिंग कर दें या पेंट या ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, या हम लोग आयरन के सबस्टेंस जो है या आयरन की जो चीज़ है उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल्स फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम एंड जिंक के लेयर जो है इस पर डिपोजिट कर सकते हैं। तो बच्चों आयरन की किसी सबस्टेंस के ऊपर दूसरे मेटल जैसे कि क्रोमियम एंड जिंक की लेयर डिपोजिट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आई होप स्टूडेंट्स कि अभी तक आप लोगों को केमिकल चेंज एंड उससे रिलेटेड जो मैंने चार एग्जाम्पल बताए हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल चेंजेस के इम्पॉर्टेंस की। बच्चों केमिकल चेंज जो है वो हम लोग के जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन, फ्रूट का रैपनिंग यानी कि फलों का जो पकना होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सब जो प्रोसेस हैं इन सब प्रोसेस में भी सीरीज ऑफ केमिकल चेंज जो है वो होता है। इसके अलावा बच्चों जो मेडिसिन जो दवाइयां आप लोग खाते हो ना वो भी केमिकल रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा बच्चों जो यूजफुल नए नए मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक डिटर्जेंट्स ये सब जो चीजें हैं ये भी बच्चों केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल चेंजेस के कैरेक्टर्स के बारे में। तो बच्चों जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि केमिकल चेंज में वन या फिर मोर देन वन न्यू सबस्टेंस आर प्रोड्यूस। केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा नए सबस्टेंस बनेंगे। इसके अलावा केमिकल चेंज में हीट, लाइट या फिर रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब भी होती है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में साउंड भी प्रोड्यूस होता है, कई बार कुछ केमिकल रिएक्शन में स्मेल भी प्रोड्यूस होता है एंड कलर चेंज भी इसमें होता है। इसके अलावा कई सारे केमिकल रिएक्शंस में गैस भी फॉर्म होती है। बच्चों एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं जब केमिकल चेंज में एग्जाम्पल्स बता रही थी तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बच्चों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में मैंने बताया था कि एक नया सबस्टेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक तरह का केमिकल चेंज है। इन द सेम वे बच्चों बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स ये सभी बच्चों केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बच्चों किसी भी तरह कोई भी चीज अगर बर्न कर रही है तो उसको हम लोग कैसा चेंज कहेंगे, केमिकल चेंज। लास्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों किसी भी सबस्टेंस के सॉल्यूशन से उस सबस्टेंस के सॉलिड क्रिस्टल्स का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का यूज बच्चों किसी भी सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमें सी वाटर से सॉल्ट मिलता है उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, सो सी वाटर से मिले सॉल्ट की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। बच्चों क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का फिजिकल चेंज होता है बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन में कोई भी न्यू सबस्टेंस जो है वो नहीं बनता है। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।